हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ लेक्चरर दीपक मित्तल, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास प्लस टू का सिक्स चैप्टर है हमारे पास, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। तो उसका जो टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारा इस चैप्टर का फिफ्थ लेक्चर है। पहले के फोर लेक्चर्स में हमने जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के दूसरे टॉपिक्स हैं, टेंजेंट एंड नॉर्मल और रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, एरर्स एंड अप्रॉक्सीमेशंस, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, तो वो सारे डिस्कस किए हैं। उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा। कंसेप्चुअल लिखा है मैंने यहाँ पर कि हम इस वीडियो में कंसेप्ट्स डिस्कस करेंगे कि मैक्सिमा मिनिमा, रिलेटिव मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, कैसे अप्लाई होते हैं, क्यों बनते हैं वो सारे। तो टोटल कॉन्सेप्ट्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि मैक्सिमा एंड मिनिमा कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट करें कि है क्या। कि लेट वी हैव फंक्शन y इज इक्वल टू x। मान लो एक फंक्शन है y इज इक्वल टू x। ओके, तो सबको पता है इसका ग्राफ अगर हम प्लॉट करें तो हम जैसे सिंपल टेबल लेके इसको प्लॉट कर लेते हैं कि x और y की वैल्यूज, कि ये स्ट्रेट लाइन है, x ज़ीरो है तो y ज़ीरो है, x वन है तो y वन है, x टू है तो y टू है। तो ये मैंने यहाँ पर प्लॉट कर दिया, ज़ीरो ज़ीरो पॉइंट भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, तो y इज़ इक्वल टू x, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि इसका जब हम डेरिवेटिव लेते हैं, हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चैप्टर में पढ़ा है, इसका डेरिवेटिव वन है जो कि ऑलवेज पॉजिटिव है। और अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर हम इसको देखें तो इसका कोई भी मैक्सिमम एंड पॉइंट नहीं आएगा, तो ये इंक्रीज करती जाएगी लाइन, इंक्रीज करती जाएगी, हमारा बोर्ड ख़त्म हो जाएगा, और ऐसे ही ये इसका कोई भी लोअर एंड पॉइंट भी नहीं आएगा। ठीक है, सो दिस फंक्शन हैव नीदर मैक्सिमम वैल्यू नॉर मिनिमम वैल्यू। तो ये हमने सिर्फ ये देखा है कि ऐसे भी फंक्शंस होते हैं जिनकी कोई मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ना हो। अगर हम इसी फंक्शन को बाउंड कर दें बिटवीन द लिमिट्स 2 to 4, एक क्लोज इंटरवल ले लें 2 से लेके 4 तक, ठीक है, फंक्शन हमारा सेम है, मतलब वही स्ट्रेट लाइन है, बट सिर्फ x इक्वल टू 2 से लेके x इक्वल टू 4 तक आपने लेनी है। तो y की वैल्यू क्या आएगी, जब x 2 है तो y, क्योंकि x के इक्वल है तो y भी 2 आ जाएगा, और जब x 4 है तो y भी 4 आएगा। इसका मतलब इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो 2 है, और जो मैक्सिमम वैल्यू है इस फंक्शन की वो 4 है। ओके, तो ये हमने एक स्ट्रेट लाइन पे किया है। अभी हम इसको कर्व पे लेके जाते हैं। देखो, अब मान लो हमारे पास कोई भी फंक्शन है, ठीक है, जिसकी कोई कर्व बनती है। अगेन, लेट एफ एक्स इज ए फंक्शन डिफाइंड ऑन एन इंटरवल आई। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो डायग्राम बनी है ये एक इंटरवल है। नॉर्मली हम आई जो इंटरवल लेते हैं वो ओपन इंटरवल लेते हैं, ठीक है, आई इज एन ओपन इंटरवल, ठीक है, ए से लेके बी तक। तो अगर हमें इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, मींस हमारे पास एक ऐसा पॉइंट आना चाहिए इंटरवल पे, इंटरवल के अंदर, जिस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो मैक्सिमम हो। आपको देखने में लगता है कि ये फंक्शन की जो एफ सी वैल्यू है, एफ सी मीन्स वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू सी पॉइंट पे, तो ये जो वैल्यू है ये मैक्सिमम होनी चाहिए। तो मैक्सिमम का हम कैसे गेस कर सकते हैं, तो हम कहते हैं कि सी के नियर अबाउट जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स पे जो फंक्शन की वैल्यू हम फाइंड करें तो वो सारी वैल्यूज क्या होनी चाहिए, एफ सी से कम होनी चाहिए। मीन्स सी के नियर अबाउट, हम लिखते हैं इन द नेबरहुड ऑफ सी, मतलब सी के आसपास जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स पे जो वैल्यू आएगी वो सी पे जो वैल्यू आती है उससे कम आनी चाहिए, तो एफ सी हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है। ठीक है, तो एफ सी इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इफ एफ ऑफ सी इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स। एफ सी है जो एफ एक्स से बड़ा होना चाहिए, और x क्या है, x इज एनी पॉइंट इन द नेबरहुड ऑफ c,
एक्स मीन्स कोई भी पॉइंट हो सकता है सी के नियर अबाउट, वो यहाँ पे भी हो सकता है, वो यहाँ पे भी हो सकता है, वो यहाँ पे भी हो सकता है, कोई भी पॉइंट लो। तो किसी भी पॉइंट पे आप वैल्यू निकालोगे फंक्शन की, तो ये देखो सबसे ज़्यादा जो वैल्यू आ रही है वो सी पॉइंट पे आ रही है, ये एफ सी आ रही है हमारी। बट दूसरी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, अगर हमारा फंक्शन इस टाइप का है, ये भी हम ए से बी इंटरवल ले लेंगे यहाँ तक, तो अगर फंक्शन हमारा इस टाइप का है तो सी पॉइंट पे जो वैल्यू है वो हमारी मैक्सिमम है, एफ सी से ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं है फंक्शन की। बट सी के नियर अबाउट जितने भी पॉइंट हैं वहाँ पर भी जो वैल्यू आ रही है वो एफ सी के इक्वल ही आ रही है, एफ सी से कम नहीं आ रही। तो इसका मतलब हम ये कहते हैं कि एफ सी इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इफ एफ सी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए। मतलब एक्स सी के नियर अबाउट जितने भी पॉइंट्स आप लोगे, ठीक है, एक फिक्स नेबरहुड होती है, तो उस नेबरहुड में हम जितने भी पॉइंट्स लेंगे उन सब पॉइंट्स पे जो वैल्यू आएगी या तो वो एफ सी के इक्वल आएगी या वैल्यू एफ सी से कम आएगी। ओके, तो ये जो सी पॉइंट आ जाता है जिस पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम आती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं सी इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मीन्स सी वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू अकर करेगी, हमारी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ओके, सिमिलरली हमारे पास मिनिमा का है कंसेप्ट, तो मिनिमा के लिए क्या होगा, तो दो पॉसिबिलिटीज होंगी कि सी पॉइंट पे जो वैल्यू है फंक्शन की, तो सी के नियर अबाउट जितने भी पॉइंट आएंगे वहाँ पर या तो फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एफ सी से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू वाई एक्सिस पे चलती है, ये हमारी मिनिमम वैल्यू है एफ सी, बाकी किसी भी पॉइंट पे आप वैल्यू फाइंड कर रहे हो ना तो वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग चेक करो, तो वाई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो एफ सी मिनिमम वैल्यू है वाई की फंक्शन के लिए। ओके, तो या फिर क्या हो सकता है कि सी के नियर अबाउट जो पॉइंट्स आएंगे उन पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू क्या आए, सी की वैल्यू के इक्वल आ जाए, एफ सी के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि एफ सी इज मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इफ एफ सी इज लेस देन इक्वल टू, मतलब या तो एफ सी सबसे छोटी होनी चाहिए नेबरहुड में, या फिर कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर एफ सी के इक्वल भी आ सकती है वैल्यू, तो सी इज अगेन कॉल्ड पॉइंट ऑफ मिनिमा, क्योंकि सी पॉइंट पे जो वैल्यू आती है वो सबसे कम आती है वैल्यू, हमारे पास मिनिमम वैल्यू आती है। ओके, तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट हो गया कि मैक्सिमा या मिनिमा अगर है तो फंक्शन की जो ग्राफ है कैसा बनेगा ग्राफ, और मैक्सिमम में सी पॉइंट पे जो वैल्यू आएगी वो सबसे ज़्यादा आएगी, और मिनिमम में जो सी पॉइंट पे वैल्यू आएगी वो सबसे कम आएगी। अब हम डिस्कस करते हैं रिलेटिव मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो ये जो चैप्टर हम पढ़ेंगे, आप इसके क्वेश्चंस देखोगे तो इसमें दो तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपको, या तो रिलेटिव मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन पूछते हैं या एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा का क्वेश्चन पूछते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है उसको हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो एक चीज़ आप मान के चलो कि अगर हमें क्वेश्चन में ओनली मैक्सिमा वर्ड लिखा है, ओनली मैक्सिमा, ठीक है, कुछ नहीं लिखा कि वो रिलेटिव की बात कर रहे हैं या एब्सोल्यूट की, तो आप मान के चलो कि जब भी ओनली मैक्सिमा की बात करें हम, ओनली मैक्सिमा लिखा हो क्वेश्चन में, तो मैक्सिमा का मतलब है रिलेटिव मैक्सिमा। एब्सोल्यूट जब भी आएगा तो वहां पर एग्जैक्टली लिखा होगा कि आपने एब्सोल्यूट फाइंड करना है। अगर ओनली मैक्सिमा लिख दिया या ओनली मिनिमा लिख दिया तो इसका मतलब है आपने रिलेटिव ही फाइंड करना है। रिलेटिव को हम लोकल भी बोल देते हैं, ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है। अब देखो, लोकल और एब्सोल्यूट को हम ग्लोबल भी बोल देते हैं, ग्लोबल, ठीक है। अब लोकल मींस एक पर्टिकुलर एरिया में, लोकेलिटी, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको हम लोकल मैक्सिमा बोलते हैं, और ग्लोबल मैक्सिमा जो पूरे ग्लोब, पूरे वर्ल्ड के लिए जैसे हम बात करते हैं, तो जो मतलब फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू है उसको हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों में मैथमेटिकली क्या डिफरेंस है, देखो ये हमारे पास एक फंक्शन की हमने डायग्राम बना दी, ग्राफ प्लॉट कर दिया, ठीक है। अब देखो सी पॉइंट है जो C1
फर्स्ट पॉइंट लिया है मैंने सी वन, तो सी वन पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या है, मैक्सिमम आ रही है। लेकिन ये पूरे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। अगर आप यहाँ पर जाके देखो, ये पॉइंट लो, ये कोई पॉइंट है हमारे पास x1, तो अगर हम x1 पॉइंट पे वैल्यू देखेंगे तो ये हमारी fc1 है, ये हमारी fx1 है। तो आप देखोगे यहाँ पर कि f ऑफ x1 जो है वो आपकी f ऑफ c1 से ज़्यादा आ रही है। इसका मतलब तो हम कह सकते हैं कि c1 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, ठीक है। बट अगर हम ये एक एरिया ले लें c1 के लिए, हम कहें कि हम तो भाई इस एरिया में बात कर रहे हैं, तो इस एरिया में जो हमारा ग्राफ बन रहा है, उस ग्राफ में जो इतना पोर्शन है ग्राफ का यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इस पोर्शन में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो कौन सी है, वो है एफ सी वन, ठीक है। तो लोकल मैक्सिमा क्या होता है, लोकल मैक्सिमा होता है एफ इज सेट टू हैव लोकल मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू सी वन, यहाँ पर मैंने सी वन पॉइंट ही लिया है, एक्स इज इक्वल टू सी वन belongs to domain of f, c1 किसको belong करना चाहिए, function की domain को, if there exist, ये sign होता है there exist का, if there exist delta belongs to R, एक real number exist करना चाहिए, ताकि ये c1 था तो ये हमारे पास जो point आ जाएगा ये आ जाएगा c1 minus delta, ये point आ जाएगा c1 plus delta, तो इस इंटरवल में, इतने इंटरवल में c1 माइनस डेल्टा से लेके c1 प्लस डेल्टा जो इंटरवल है, इस पूरे इंटरवल में जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी f ऑफ c1, मींस बाकी सब पॉइंट्स पे जो वैल्यू आएगी या तो f ऑफ c1 के इक्वल आएगी या f ऑफ c1 से कम आएगी। तो हम ये कहेंगे कि इस एरिए का जो सबसे बड़ा वैल्यू है वो है एफ सी वन, तो एफ सी वन मैक्सिमम वैल्यू आ गई, बट वो पूरे फंक्शन की वैल्यू नहीं आई बड़ी, वो आई है इस पर्टिकुलर एरिए की। तो इसको हम बोलते हैं लोकल मैक्सिमा, कि इस पर्टिकुलर एरिए का, जैसे हम बोलते हैं ना लोकल ट्रेन चलती है, ठीक है, कि जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही कनेक्ट करती है, लोकल बस चलती है जो मतलब एक थोड़े से एरिए को कनेक्ट करती है, ठीक है। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू आई है फंक्शन की, ये उस पर्टिकुलर एरिए की मैक्सिमम वैल्यू आई है, तो इसको हम बोलते हैं लोकल मैक्सिमा। सिमिलरली लोकल मिनिमा है, तो लोकल मिनिमा के लिए भी क्या है, अगर C2 पॉइंट पे हमारी जो वैल्यू आई है, ये हमारी मान लो इतने एरिए में ये मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, तो हम यहाँ पर C2 लेंगे, तो मिनिमम वैल्यू के लिए क्या होना चाहिए आपके लिए, कि एफ ऑफ C2 जो है वो कम होना चाहिए एफ ऑफ x से, मतलब एफ ऑफ C2 इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ x। एक पर्टिकुलर एरिए में C2 पे जो वैल्यू आती है फंक्शन की वो सबसे मिनिमम वैल्यू आती है, तो उस पर्टिकुलर एरिए का जो मिनिमा है वो क्या आ गया, वो FC2 आ गया, और जो पॉइंट है वो पॉइंट आएगा C2, C2 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ओके। अब हम बात करें एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मीन्स ग्लोबल, जो कि पूरी सबसे बड़े पूरे फंक्शन के लिए, जैसे हम कहते हैं ना ग्लोबल मीन्स पूरी दुनिया के लिए, ठीक है, तो पूरे फंक्शन के लिए जो पूरे फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू है, ठीक है, तो वो क्या होगी, वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा। तो दोनों डेफिनेशंस में डिफरेंस क्या आएगा मैथमेटिकली, तो एफ इज सेट टू हैव एब्सोल्यूट मैक्सिमा एट सम पॉइंट, मान लो यहां पर सी थ्री पॉइंट है, तो इफ एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ सी थ्री, डेफिनेशन तो यहां तक सेम है, बट वहां पर क्या था, वहां पर एक इंटरवल था हमारा, x क्या था, एक पर्टिकुलर इंटरवल को बिलोंग कर रहा था लोकल मैक्सिमा में। यहां पर x क्या है, x पूरी डोमेन में से आप कोई सा भी पॉइंट ले सकते हो, आप कहते हो कि अगर एफ सी थ्री मैक्सिमम है तो पूरे फंक्शन में कोई सा भी पॉइंट लो उसकी डोमेन का, हरेक पॉइंट पे जो वैल्यू आएगी वो एफ सी थ्री के या तो इक्वल आएगी या फिर उससे कम आएगी। क्लियर हो गया आपको कंसेप्ट, लोकल मैक्सिमा मींस एक पर्टिकुलर एरिया, उसमें हमारे पास क्या है, एक डेल्टा एग्जिस्ट करता है, तो उससे हम क्या है, उस पॉइंट का एक नेबरहुड लेते हैं, तो हम कहते हैं कि सिर्फ उस नेबरहुड में वो वैल्यू मैक्सिमम है, उसके आसपास जाएंगे तो हो सकता है उससे बड़ी और भी वैल्यूज मिल जाएंगी हमें, बट जो एब्सोल्यूट मैक्सिमा है
वो फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू होती है। तो अगर हमारे पास फंक्शन में, यहाँ पर अगर हम इस डायग्राम की बात करें, तो इसमें हमारे पास दो मैक्सिमा आए हैं, एक ये FC1 पे, एक FC3 पे। तो ये दोनों लोकल हैं, और दोनों लोकल में से जो बड़ा है वो एब्सोल्यूट है, ठीक है। पहले तो हम यही बात करेंगे कि C1 भी लोकल है, C3 भी लोकल है, जितने भी लोकल आ जाए, हो सकता है 2, 3, 4, कितने भी लोकल आ जाए मैक्सिमा, तो सारे लोकल मैक्सिमाज में से जो सबसे बड़ा मैक्सिमा है वो आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा है। सिमिलरली जितने भी लोकल मिनिमा हैं, जैसे C2 एक लोकल मिनिमा आ गया, C4 एक लोकल मिनिमा आ गया, अगर इस कर्व को हम ऐसे करते रहें तो एक और लोकल मिनिमा आ जाएगा, एक और लोकल मिनिमा आ जाएगा, तो जितने भी लोकल मिनिमा आएंगे उनमें जो सबसे छोटा होगा वो आपका एब्सोल्यूट मिनिमा आएगा। तो एब्सोल्यूट मिनिमा के लिए क्या होना चाहिए कि अगर C4 पॉइंट पे आपका एब्सोल्यूट मिनिमा है तो FC4 ऑलवेज लेस देन इक्वल टू FX आएगा फॉर ऑल X बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ F। तो मैथमेटिकली तो हम बात करते हैं, लोकल के लिए इंटरवल में होता है एक्स बिलोंग करता है, और एब्सोल्यूट के लिए पूरी डोमेन पे होता है। और वैसे अगर आप बात करो तो आप समझ सकते हो कि लोकल मैक्सिमा एक पर्टिकुलर इंटरवल में है, और एब्सोल्यूट मैक्सिमा वो वाला मैक्सिमा है जो पूरे फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ज्योमेट्रिकली अगर हम बात करें फंक्शन की, तो जो ग्राफ है फंक्शन का वो क्या है, एक पीक शो करता है, जो मैक्सिमा है ना, मैक्सिमा पे ये एक पीक शो करता है, ठीक है, और मिनिमा पे ये ट्रफ, जैसे गड्ढा हम बोल देते हैं, ठीक है। तो जहां जहां पर पीक आएगी वहां मैक्सिमा आएगा, जहां पर ट्रफ आएगा वहां पर मिनिमा आएगा। ओके, तो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट। तो इस चैप्टर में ना क्रिटिकल पॉइंट और एक्सट्रीम पॉइंट दो वर्ड्स यूज करते हैं, तो स्टूडेंट्स नॉर्मली इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट क्या है और एक्सट्रीम पॉइंट क्या है। तो क्रिटिकल पॉइंट, ए पॉइंट सी बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ इज सेट टू बी क्रिटिकल पॉइंट ऑफ अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, सी एक ऐसा पॉइंट है उसकी डोमेन का, ठीक है, जिसको हम क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे, तब अगर या तो क्या होना चाहिए, आइदर F'C जीरो होना चाहिए, या तो C पर हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो जीरो आना चाहिए, या हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो इनफाइनाइट हो जाए, इन्फिनिटी बोल सकते हैं आप उसको, या हम कहते हैं कि इन्फिनिटी को हम कभी लिखते हैं कि एग्जिस्ट ना करे, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो या तो एग्जिस्ट नहीं करता या जीरो हो जाता है, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि उस पॉइंट पे जो फंक्शन का बिहेवियर होता है, एट पॉइंट सी फंक्शन एफ बिहेव्स इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैनर, तो जो हमारा फंक्शन है उसका बिहेवियर थोड़ा चेंज हो जाता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके। अब जैसे आप ऊपर वाले डायग्राम में बात करें, तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो डेरिवेटिव आपका आएगा फर्स्ट डेरिवेटिव, क्योंकि जो टेंजेंट है, टेंजेंट हमारी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इस पॉइंट पे जो डेरिवेटिव आएगा, अगर हम इसको पॉइंट को नाम दे दें सी, तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा जीरो आएगा। तो अगर हम बात करें तो फंक्शन क्या था, फंक्शन इंक्रीज कर रहा था, ऊपर को जा रहा था, अच्छा भला, तो इस पॉइंट के बाद फंक्शन क्या हो गया, नीचे आने लग गया, तो उसका बिहेवियर क्या हो गया, चेंज हो गया, पहले वो ऊपर जा रहा था, इस पर्टिकुलर पॉइंट से नीचे आने लग गया वो, ठीक है, फिर अब वो नीचे जा रहा था तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से फिर टर्न कर गया। तो अगर इस पॉइंट को हम डी माने, तो यहाँ पर भी जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो यहाँ पर भी जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा डी पॉइंट पे वो जीरो आएगा। तो इसका मतलब जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं उन पॉइंट्स पे फंक्शन का जो बिहेवियर है वो नॉर्मल से चेंज हो जाता है, जैसे वो इंक्रीज कर रहा था तो वो वहाँ से डिक्रीज करने लग गया, ठीक है। अब एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या हैं, तो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं हमारे पास, एक्सट्रीम पॉइंट होते हैं, एक्सट्रीम होता है जिसको हम बोलते हैं एंड, ठीक है, एंड मतलब जो कहते हैं कि सबसे एंड है, बिल्कुल सबसे बड़ी वैल्यू। मान लो हमारे पास 10 वैल्यूज हैं, जो सबसे बड़ी है वो एक्सट्रीम वैल्यू है, और जो सबसे छोटी है वो भी एक तरह का उसका एंड हो गया, तो वो भी एक्सट्रीम वैल्यू है। तो एक्सट्रीम हाई और एक्सट्रीम लो, एक्सट्रीम मैक्सिमम, एक्सट्रीम मिनिमम। तो एक्सट्रीम पॉइंट क्या होते हैं,
एक्सट्रीम पॉइंट होते हैं सिर्फ वो वाले पॉइंट्स जहां पर हमारा या तो मैक्सिमम वैल्यू आती है या मिनिमम वैल्यू आती है। ए पॉइंट सी बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ इज सेट टू बी एक्सट्रीम पॉइंट इफ सी इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। तो अब हम सोचेंगे कि जो हमने अभी क्रिटिकल पॉइंट पढ़े थे तो उसमें क्या था, उसमें भी तो कभी मैक्सिमा आ रहा था, कभी मिनिमा, कभी मैक्सिमा, कभी मिनिमा। बट ये सारे हमने वो पॉइंट्स ड्रॉ किए हुए हैं जहां पर हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव ओनली जीरो आ रहा है। लेकिन अगर ऐसे भी पॉइंट्स आएंगे जहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वहां पर हो सकता है हमारा मैक्सिमा या मिनिमा ना हो, या कई बार क्या है, अभी हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो वहां पर भी फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो आता है, बट वो पॉइंट मैक्सिमा या मिनिमा का नहीं होता। तो उस पॉइंट को हम क्रिटिकल पॉइंट तो बोलेंगे जहां पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा, बट वो हमारा एक्सट्रीम पॉइंट नहीं होगा। ओके, तो अभी आगे पढ़ेंगे हम। तो की पॉइंट्स हैं कुछ, दो रिजल्ट्स हैं हमारे पास। दोबारा से हमने यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ किया है, तो ये हमारा क्या है, एक मैक्सिमा है, लोकल मैक्सिमा, ये भी एक लोकल मैक्सिमा है, ये भी एक लोकल मैक्सिमा है, ये लोकल मिनिमा है, ये लोकल मैक्सिमा है, ये लोकल मिनिमा है, ठीक है। तो जितने भी लोकल मैक्सिमा है उनमें से ये सबसे बड़ा है, तो ये हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमा है। ओके, एब्सोल्यूट मैक्सिमा है ये हमारा, और ये क्या है, ये हमारा एब्सोल्यूट मिनिमा है। और ये क्या है, ये आपका लोकल है, लोकल मिनिमा, हम शॉर्ट में लिख लेते हैं, ये लोकल मैक्सिमा, ये भी लोकल मैक्सिमा और ये लोकल मिनिमा। ओके, तो अब देखो जो फर्स्ट पॉइंट है, ए लोकल मैक्सिमा मे नॉट बी एब्सोल्यूट मैक्सिमा, कहते जो लोकल मैक्सिमा है हो सकता है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा ना हो। अब ये भी तो एक लोकल मैक्सिमा है, ये तो थोड़ी बना एब्सोल्यूट मैक्सिमा, ये भी एक लोकल मैक्सिमा है, ये भी नहीं बना एब्सोल्यूट। तो कहते कि जो लोकल मैक्सिमा है हो सकता है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा बने, हो सकता है ना बने। इसको भी हम जो एब्सोल्यूट है इसको हम लोकल भी बोल सकते थे, पर जितने भी लोकल हैं उनमें जो सबसे बड़ा है वो एब्सोल्यूट होता है। ओके, अब सेकंड पॉइंट है, ए लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट सम पॉइंट मे बी लेस देन ए लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट अनदर पॉइंट, कि किसी पॉइंट पे जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ रही है हो सकता है किसी दूसरे पॉइंट की जो लोकल मिनिमम है उससे कम हो। हालांकि देखने में थोड़ा अजीब लगता है कि मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू से कम कैसे हो सकती है, हम लोकल की बात कर रहे हैं। तो इस पॉइंट पे देखो आप, इस पॉइंट पे जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू है वो ये वाली आई है आपकी वाई की वैल्यू, और इस पॉइंट पे जो लोकल मिनिमम वैल्यू है ये है। तो दोनों में से बड़ी कौन सी है, तो ये वाली वैल्यू बड़ी है लोकल मिनिमम। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो आपकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू आई है वो किसी दूसरे पॉइंट पे जो लोकल मिनिमम वैल्यू आ रही है उससे कम भी आ सकती है। बट एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कभी भी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू से कम नहीं आएगी। ओके, एब्सोल्यूट मैक्सिमा है जो हमारा वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एब्सोल्यूट मिनिमम, ठीक है। ये हमारे पास रिजल्ट है कि जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है वो हमेशा एब्सोल्यूट मिनिमम के बराबर आ सकती है अगर फंक्शन कांस्टेंट होगा तो, अदरवाइज ऑलवेज जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू से ज्यादा ही आएगी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास नेसेसरी कंडीशन फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज, नेसेसरी कंडीशन, ठीक है। अगर कहते हैं हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स, इफ एफ सी इज एन एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, मान लो कुछ सी कोई पॉइंट है जिस पॉइंट पे
फंक्शन की वैल्यू एक्सट्रीम आ रही है, या तो मैक्सिमम आ रही है या मिनिमम आ रही है, एंड एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, मींस वो कर्व का एंड पॉइंट नहीं है, क्योंकि कर्व के एंड पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, देन एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो। ये हमारी नेसेसरी कंडीशन है, मींस अगर फंक्शन का किसी पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमा आता है और उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो उस पॉइंट पे जो फर्स्ट डेरिवेटिव है ना फंक्शन का, वो हमेशा जीरो आएगा। बट दिस कंडीशन इज नॉट सफिशिएंट, कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम इज नॉट ट्रू, कि अगर कोई ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे आपका फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो आ गया, तो जरूरी नहीं है कि वो एक्सट्रीम पॉइंट हो, वो क्रिटिकल पॉइंट तो होगा, क्योंकि जिस पॉइंट पे फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो है वो क्रिटिकल पॉइंट होता है, बट ये जरूरी नहीं है कि जिस अगर हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो आ गया तो उस पॉइंट पे फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करे, वो पॉइंट आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है। अब ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बार बार आ रहा है, तो इसको हम आगे थोड़ा सा एक दो पेजेस और मूव करके उसके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू किसी पॉइंट पे एग्जिस्ट करती है, तो इट इज़ नेसेसरी दैट फर्स्ट डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट मस्ट बी ज़ीरो, उस पॉइंट पे फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो होना कंपल्सरी है। बट अगर किसी पॉइंट पे फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो है, तो इसका ये मतलब नहीं है, वहाँ से हम ये नहीं सोच सकते कि डेफिनेटली उस पॉइंट पे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। हो सकता है मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू उस पॉइंट पे एग्जिस्ट ना करे और वो पॉइंट आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो, ओके? अब हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, कि किसी पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमा है, मतलब फंक्शन की वैल्यू किसी पॉइंट पे मैक्सिमम आती है या मिनिमम आती है, उसको चेक करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव की हेल्प लेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव है क्या, पहले उसको पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, तो ये एक टेस्ट है चेक करने के लिए कि उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम। तो लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन ओपन इंटरवल आई, लेट एफ बी कॉन्टिन्यूस एट ए क्रिटिकल पॉइंट सी, ठीक है, सी कोई क्रिटिकल पॉइंट है जहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव या तो ज़ीरो है या फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो मैक्सिमा या मिनिमा के लिए तो नेसेसरी कंडीशन है कि फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है, सी पॉइंट पे। तो हमारे पास कहते हैं थ्री केस अराइज करेंगे, ठीक है, थ्री केस, क्योंकि अब एफ डैश सी, क्योंकि हम मैक्सिमम मिनिमा की बात कर रहे हैं, तो एफ डैश सी तो हमारे पास क्या है, ज़ीरो है, ओके, एफ डैश सी तो ज़ीरो है। तो केस फर्स्ट क्या है, कहते इफ एफ डैश एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, मींस सी पॉइंट से पहले फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव हो और सी पॉइंट के बाद जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो नेगेटिव हो, तो उसको हम बोलेंगे कि एफ डैश एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर ऐसा होता है तो जो सी पॉइंट है वो आपका पॉइंट होगा लोकल मैक्सिमा का पॉइंट, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ओके। और अगर इससे रिवर्स होता है, मींस अगर एफ डैश एक्स है जो वो आपका साइन चेंज करता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्योंकि सी पे तो उसकी वैल्यू ज़ीरो है, अगर सी से पहले उसकी वैल्यू नेगेटिव है और सी के बाद उसकी वैल्यू पॉजिटिव है, तो जो सी पॉइंट है वो आपका पॉइंट होगा लोकल मिनिमा का, ठीक है। तो ये हमें लर्न करने हैं, इसका हम रीज़न क्या है, क्यों लोकल मैक्सिमा है पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव पे मिनिमा, वो नेक्स्ट पेज पे हम डिस्कस करेंगे रीज़न इसका, अभी हम इस रिज़ल्ट पढ़ रहे हैं, ओके। और अगर ऐसा हो जाए कि साइन चेंज ही ना हो, मतलब सी से पहले भी पॉजिटिव हो, सी के बाद भी पॉजिटिव हो, या सी से पहले भी नेगेटिव हो, सी के बाद भी नेगेटिव हो, ठीक है, देन जो आपका सी पॉइंट आएगा वो होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इफ एफ डैश एक्स डज नॉट चेंज साइन,
ठीक है, कि साइन चेंज ना हो, तो उस पॉइंट पे ना तो आपका मैक्सिमा आएगा, नीदर ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा नोर ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, तो एक बार इसको हम दोबारा से कंक्लूड करें, तो क्या है कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है हमारे पास, मान लो सी जो है उस पॉइंट पे एक्सट्रीम वैल्यू आती है हमारे पास। ठीक है, तो सी पॉइंट हमारा है, अगर सी पॉइंट से पहले आपका फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है और सी के बाद नेगेटिव है, तो इसका मतलब साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव चला गया, पॉजिटिव टू नेगेटिव चला गया, तो जो सी पॉइंट है वो लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है। अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव चला गया तो लोकल मिनिमा का पॉइंट है। और तीसरी ऑप्शन क्या है कि साइन चेंज ही नहीं हुआ, मीन्स पॉजिटिव से पॉजिटिव चला गया या नेगेटिव से नेगेटिव चला गया, देन सी इज ए पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब इसका रीजन देखते हैं हम कि ऐसा क्यों होता है। तो इसका रीजन है हमारे पास कि मान लो सी एक पॉइंट है जहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा जीरो है। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो है, तो जो आपकी टेंजेंट बनेगी, टेंजेंट की स्लोप क्या आएगी, जीरो। तो जो एफ डैश सी होता है ना, जो हमारा एफ डैश एक्स होता है, वो एक्चुअल में क्या होता है, वो होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, जो एफ डैश एक्स होता है वो होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो सी पॉइंट पे तो आपका डेरिवेटिव जीरो है। अब ये सी पॉइंट पे वैल्यू क्या आ रही है, वो हमें ग्राफ से क्लियर है कि सी पॉइंट जो है ये क्या है, हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। मतलब सी पॉइंट पे जो आपकी वैल्यू है वो मैक्सिमम आ रही है। अब सी से पहले, सी पॉइंट से पहले मैंने ये पॉइंट लिया है, इस पॉइंट पे ये टेंजेंट ड्रॉ किया है। ठीक है, ये ब्लैक लाइन से टेंजेंट ड्रॉ की थी हमने, तो इसको अगर आप इंक्रीज करोगे तो इसका जो एंगल बनेगा ये वाला, तो ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री से कम बनेगा। ठीक है, तो स्लोप क्या होती है, टेन थीटा। तो इसका मतलब इसकी जो स्लोप आएगी वो पॉजिटिव आएगी, मतलब जो फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा वो पॉजिटिव आएगा। और सी पॉइंट से बाद में अगर थोड़ा आगे जाएं तो टेंजेंट ये आ गई हमारी, इसको हम इंक्रीज करेंगे तो इसका जो एंगल बनेगा वो ग्रेटर देन 90 बनेगा। ग्रेटर देन 90 मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। तो इसका मतलब इसकी जो स्लोप आएगी वो लेस देन ज़ीरो आएगी, तो जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है वो लेस देन ज़ीरो है। तो पहले सी पॉइंट से पहले फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव था, सी पॉइंट के बाद जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो नेगेटिव हो गया, तो इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव का जो साइन चेंज हुआ है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हुआ है। और ग्राफ क्या है, ग्राफ शो कर रहा है कि वो मैक्सिमा है, तो इसका मतलब फॉर मैक्सिमा फर्स्ट डेरिवेटिव का जो साइन है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज होता है। ऐसे ही मिनिमा, अगर ये हमारे पास ग्राफ है तो सी पॉइंट पे हमें क्लियर कट शो हो रहा है यहाँ से कि जो सी पॉइंट है वो क्या है, वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है, जो सी पॉइंट है। ओके, सी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है। सी पॉइंट से पहले ये जो पॉइंट है हमने एक्स लिया है, इस पॉइंट पे ये जो टेंजेंट है इसको अगर हम आगे ले जाएं तो इसका जो एंगल आएगा अब 90 से ज़्यादा आएगा, तो 90 से ज़्यादा आएगा तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, नेगेटिव, वो ऊपर हमने डिस्कस कर लिया। और इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट लें तो इसको इंक्रीज करेंगे तो इसका जो एंगल आएगा वो 90 से कम आएगा, 90 से कम आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो टेन थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, तो इस पॉइंट पे जो डेरिवेटिव है आपका वो पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब डेरिवेटिव सी से पहले नेगेटिव था, सी के बाद क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो जो साइन चेंज हुआ है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हुआ है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, तो इसका मतलब अगर साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज होता है तो उस पॉइंट पे मिनिमा आता है, और अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज होता है तो उस पॉइंट पे मैक्सिमा आता है। अब हम बात करें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे हमने कहा था कि साइन चेंज होता ही नहीं है। ठीक है, तो अगर हमारे पास इस टाइप की कर्व है, ये जो रेड लाइन से हमने ड्रॉ की है ना, इस टाइप की कर्व, तो अगर हम बात करें तो जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव जीरो आ गया,
तो आप बताओ कि सी पॉइंट्स पे ग्राफ को देखने पे हमें क्या लगता है कि सी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम है? तो आप देखोगे कि सी पॉइंट से तो आगे भी जा रही है वैल्यू, तो ना तो इस पॉइंट पे मैक्सिमम है और सी से पीछे भी जा रही है, कम हो रही है वैल्यू, तो ना इस पॉइंट पे मिनिमम है। मैक्सिमम के लिए ग्राफ ऐसे बनना चाहिए था, मिनिमम के लिए ऐसे बनना चाहिए था, ये तो इस टाइप का ग्राफ है, तो इस पॉइंट पे ना तो ये मैक्सिमम है वैल्यू ना मिनिमम है वैल्यू, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो हमने कहा था कि जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है उस पे, उससे पहले और बाद में जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो अपना साइन चेंज नहीं करता, तो हम उसको चेक करते हैं। तो C से पहले जो पॉइंट है ये x1, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट आई है उसका जो एंगल आया है वो 90 से कम आया है, 90 से कम आया है, तो इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है। और C पॉइंट के बाद जो टेंजेंट आई है वो भी ऐसे आई है, उसको भी आप लोगे तो उसका भी एंगल 90 से कम आया है, ठीक है, तो वहाँ पे भी आपका फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है। तो यहाँ पर क्या हुआ, C से पहले भी फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव था, C के बाद भी फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ने साइन चेंज किया ही नहीं। और हमने बोला था कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन चेंज नहीं होता, पॉजिटिव टू पॉजिटिव रहता है या नेगेटिव टू नेगेटिव, अगर आप इस टाइप की कर्व ले लोगे तो इसमें पहले भी नेगेटिव आएगी टेंजेंट, अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो पहले भी टेंजेंट की स्लोप नेगेटिव आएगी, बाद में भी नेगेटिव आएगी, तो भी ये पॉइंट आपका जो आएगा वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। ओके, अब हम एक एग्जांपल करते हैं इस मेथड को यूज करके। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन गिवन बाय, ये हमारे पास एक फंक्शन है, इसके हम मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट्स फाइंड करने हैं, हम फर्स्ट डेरिवेटिव यूज़ करेंगे, फिर इसी एग्जांपल को हम आगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आएगा तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी इस एग्जांपल को सॉल्व करके देखेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कैसे वर्क करता है हमारा, फंक्शन दिया हुआ है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लो, एक्स क्यूब का 3x² माइनस 3, उसके हमने फैक्टराइज कर दिया 3x माइनस 1 x प्लस 1, तो फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो पुट कर लिया हमने, तो वहाँ से एक बार इसको x माइनस 1 को जीरो पुट करोगे, एक बार x प्लस 1 को जीरो पुट करोगे, तो x की वैल्यूज आ गई 1 और माइनस 1, और ये जो पॉइंट्स आए हैं ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, x इक्वल टू 1 एंड x माइनस 1 आर क्रिटिकल पॉइंट्स। तो हमने क्या किया, जो नंबर लाइन होती है हमारी उसको हमने इन पॉइंट्स पे डिवाइड कर दिया, एक पॉइंट ले लिया माइनस 1, एक पॉइंट ले लिया 1, तो इसको माइनस 1 पे और 1 पे डिवाइड कर दिया, तो तीन इंटरवल बन गए, एक वैल्यू आ गई लेस देन माइनस 1, एक आ गई माइनस 1 से लेके 1 तक, ये आ गया इंटरवल, और एक आ गया हमारा ग्रेटर देन 1, तो तीन इंटरवल बन गए, ठीक है। अब देखो जब x हमारा, ठीक है, फॉर x इक्वल टू माइनस 1, पहले हम माइनस 1 पॉइंट के लिए चेक करेंगे क्योंकि माइनस 1 हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, हमने ये देखना है कि माइनस 1 से पहले और बाद में फर्स्ट डेरिवेटिव के साइन क्या है, क्योंकि हमें देखना है कि वो पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज होता है कि नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है। तो हमने कहा कि जब x माइनस 1 से थोड़ा सा कम है, मान लो माइनस 1 से पीछे हमने एक पॉइंट ले लिया 1.1, ठीक है, इससे कैलकुलेशन ईजी हो जाती है, हम एक पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं, तो हमने मान लिया कि जो पॉइंट है वो माइनस 1.1 है, तो हमें फंक्शन फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करनी है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव था 3x माइनस 1 x प्लस 1, अब आप x की जगह पे माइनस 1.1 पुट करके देखो तो ये तो हो गया माइनस 2.1 और ये हो गया, यहाँ पर माइनस 1.1 पुट करेंगे प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 0.1, दोनों वैल्यूज माइनस में है और दोनों नेगेटिव वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और जब x माइनस 1 से थोड़ा सा बड़ा है, मान लो माइनस 1 से थोड़ा सा ज़्यादा लेना है तो माइनस 0.9 ले लिया हमने यहाँ पर पॉइंट, तो ये पुट करेंगे तो x माइनस 1 तो अभी भी माइनस में आएगा, बट जो x प्लस 1 है अब ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, एक वैल्यू पॉजिटिव है एक वैल्यू नेगेटिव है तो उनकी प्रोडक्ट क्या आएगी, नेगेटिव। इसका मतलब माइनस 1 से पहले फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव था, माइनस 1 के बाद नेगेटिव हो गया, तो उसने अपना साइन पॉजिटिव से नेगेटिव को चेंज किया है,
और जब पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होता है तो वो होता है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। रिजल्ट आपने याद रखना है। ऐसे ही दूसरा जो क्रिटिकल पॉइंट है वो x इक्वल टू 1 है, तो हम एक बार x लेस देन 1 पे चेक करेंगे। जैसे 0.9 ले लिया, वहाँ पे ये नेगेटिव है, इसकी कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हो। और एक बार हम x ग्रेटर देन 1 लेंगे, तो हमने 1.1 सपोज कर लिया, वहाँ पर ये वैल्यू आई है पॉजिटिव, तो इसका मतलब f डैश x का जो साइन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हुआ है। और जब नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज होता है तो वो होता है हमारा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ओके, क्लियर है क्वेश्चन? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का क्वेश्चन भी एक हम करेंगे ताकि आपको उसका भी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, बट उससे पहले हम करेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमने पढ़ लिया, उसका रीजन भी पढ़ लिया, उसका एक एग्जांपल भी कर लिया। अब हम देखते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, क्योंकि नॉर्मली जो एक्सरसाइज है उसमें हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज नहीं करते, हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प से ही क्वेश्चंस करेंगे सारे, ठीक है। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है? कहते कि मान लो एफ कोई फंक्शन है, किसी ओपन इंटरवल में डिफाइंड है, और उस फंक्शन का डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, मतलब फंक्शन का आप दो बार डेरिवेटिव कर सकते हो, तभी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की बात करेंगे हम। और एफ एक्स क्या है, मान लो किसी पॉइंट पे मैक्सिमम है, तो कब आएगा मैक्सिमम? इफ कंडीशन है कि एक तो उस पॉइंट पे फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए, और सेकंड उस पॉइंट पे जो आपका डबल डेरिवेटिव है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो नेगेटिव होना चाहिए। पहले हम रिजल्ट पढ़ रहे हैं, फिर इसका रीजन भी समझेंगे, ठीक है। तो रिजल्ट क्या है कि सी पॉइंट है, उस पॉइंट पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? दो कंडीशंस है, एक तो सी पॉइंट पे जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो जीरो होना चाहिए, और जो सेकंड डेरिवेटिव है वो नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। देखने में ये उल्ट लगता है कि मैक्सिमम के टाइम नेगेटिव क्यों है और मिनिमम के टाइम पॉजिटिव है, लेकिन ये ऐसा ही है, इसका हम रीजन समझेंगे आगे। तो एफ एक्स इज मिनिमम एट पॉइंट सी, इसकी भी दो कंडीशंस है, एक तो फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए और सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए। और सेकंड डेरिवेटिव हम कहते हैं कि टेस्ट ये फेल हो जाता है अगर फर्स्ट डेरिवेटिव भी जीरो आ जाता है और सेकंड डेरिवेटिव भी जीरो आ जाता है। तो इन दिस केस या तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प लेते हैं जो हमने अभी पढ़ा है, या फिर हम इस टेस्ट का जनरलाइज्ड रिजल्ट लेते हैं, सेकंड टेस्ट को हम जनरलाइज कर लेते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे कि इसकी जनरलाइजेशन क्या है। तो उससे भी रिजल्ट हमें मिल जाएगा कि सी पॉइंट पे मैक्सिमा है या मिनिमा है या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है क्या है, अगर टेस्ट ये फेल हो जाता है तो भी। अब हम इसका रीज़न समझें कि जब डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो मैक्सिमा क्यों है। अब देखो डबल डेरिवेटिव क्या है, हमारे पास डबल डेरिवेटिव है एफ डैश सी का एक और डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव का मतलब है कि पहले एक डेरिवेटिव कर लिया, उसका एक और डेरिवेटिव कर दिया, ठीक है। तो एफ डैश सी क्या होता है? एफ डैश सी होता है हमारा स्लोप, ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्ट समझेंगे हम। तो एफ डैश सी क्या होता है, एक्चुअली ये फाइल बहुत हैवी है तो इसमें पेंसिल बहुत परेशान कर रही है। एफ डैश सी क्या होता है? स्लोप, ठीक है। तो स्लोप का डेरिवेटिव मींस डी एस बाय डी टी जो भी हम लेंगे, तो हम कहते हैं कि एफ डैश सी का डेरिवेटिव क्या है, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, कि आपकी स्लोप कैसे चेंज हो रही है। ये स्लोप के चेंज होने की है, ये फंक्शन की नहीं है। फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं वो स्लोप आ जाती है, तो उसका एक डेरिवेटिव कर दिया तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, ठीक है। और हमने पढ़ा है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में अगर किसी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाता है तो क्या होता है, वो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, ठीक है। अब हम पहले बात करें सी पॉइंट पे जो है वो मैक्सिमा है, वो आपको ग्राफ से क्लियर है, ठीक है। सी पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो मैक्सिमम है। अब इस ग्राफ पे कंसंट्रेट कीजिए, फर्स्ट वाले पे। तो देखो सी से पहले ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट मान लो x1 है। x1 पॉइंट पे हमारी स्लोप क्या है? हमारी स्लोप क्या है? स्लोप हमारी पॉजिटिव है, एंगल 90 से कम है।
तो पहले पॉजिटिव थी, उसके बाद क्या हुई, उसके बाद होगी ज़ीरो, सी के बाद वाले पॉइंट पे क्या हुई, नेगेटिव। तो वैल्यू क्या है, स्लोप की वैल्यू क्या है आपकी, धीरे धीरे कम हो रही है। पहले पॉजिटिव थी, पॉजिटिव से कम होके ज़ीरो हो गई, ज़ीरो से कम होके माइनस में चली गई। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सी पॉइंट पे जो आपकी स्लोप है वो डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। तो स्लोप डिक्रीज हो रही है मतलब एफ डैश एक्स है जो वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, और अगर कोई फंक्शन डिक्रीजिंग होता है तो उसका जो डेरिवेटिव होता है वो नेगेटिव होता है। तो एफ डैश एक्स का एक और डेरिवेटिव कर दिया तो एफ डबल डैश हो गया। ठीक है, तो डबल डेरिवेटिव क्या आना चाहिए आपका, सी पॉइंट पे नेगेटिव आना चाहिए क्योंकि आपका जो स्लोप है वो डिक्रीजिंग है। ऐसे ही अब दूसरे ग्राफ पे देखिए, तो जो सी पॉइंट है वो मैक्सिमा का पॉइंट और मिनिमा का पॉइंट है सॉरी। तो सी पॉइंट से पहले जो आपकी स्लोप थी, यहाँ पर जो स्लोप थी वो नेगेटिव थी, सी पे क्या होगी, ज़ीरो, सी के बाद क्या हो गई स्लोप, सी के बाद हो गई आपकी स्लोप पॉजिटिव। तो पहले नेगेटिव थी, फिर ज़ीरो हो गई, फिर पॉजिटिव हो गई, तो इसका मतलब धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रही है। तो स्लोप इंक्रीज कर रही है मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव इंक्रीजिंग है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव इंक्रीजिंग है तो जो फंक्शन इंक्रीज करता है उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए। तो फर्स्ट डेरिवेटिव का एक और डेरिवेटिव लो, मींस सेकंड डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये रीजन है कि हम ऐसे रिजल्ट जो हमने एज्यूम किए हैं ऊपर दोनों कि वो रिजल्ट क्यों एज्यूम किए हैं। ठीक है, तो अब हम सेकंड डेरिवेटिव को, हमने रिजल्ट हमने याद कर लिया कि फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए उस पॉइंट पे, और सेकंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आता है तो मिनिमा है, नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा है। अब हम इस कंसेप्ट को यूज करके एग्जांपल करेंगे। ओके, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स। तो इसको हम सेकंड डेरिवेटिव से करेंगे। करना कैसे है, फंक्शन दिया हुआ है, पहले उसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लो, 3x² माइनस 3 आ गया, और सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड कर लो, तो 3x² का डेरिवेटिव 6x आ गया। अब फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो पुट कर लो, तो यहाँ से पॉइंट्स आ गए x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो एट x इक्वल टू 1 अब हमारे पास ये दो पॉइंट्स आ गए। तो अब हमें ये देखना है एक एक करके कि जो कोई भी पॉइंट आप पहले ले सकते हो, मैंने 1 लिया है, तो इस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आती है। आप एफ डैश डबल डैश एक्स यहाँ पर, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते थे एफ डबल डेरिवेटिव 1, कि मतलब डबल डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करनी है आपने 1 पॉइंट पे। मैंने लिख दिया एट एक्स इक्वल टू 1 डबल डेरिवेटिव क्या आएगा आपका, तो डबल डेरिवेटिव था 6x, एक्स के प्लेस पे हमने पुट कर दिया 1, तो क्या हो गया 6 आ गया, वैल्यू आ गई पॉजिटिव। और अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाता है हमारा तो क्या होता है, एक्स जो होता है वो क्या होता है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। और अगर हमें मिनिमम वैल्यू भी फाइंड करने के लिए बोल दें, हालांकि यहाँ पर लिखा नहीं है, तो अगर मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए भी बोलते हैं तो मिनिमम वैल्यू आपने हमेशा फंक्शन से फाइंड करनी है, डेरिवेटिव से नहीं फाइंड करनी। पॉइंट हमारे पास आ गया कि 1 एक्स इक्वल टू 1 है, वहाँ पर आपकी वैल्यू जो आएगी वो मिनिमम आएगी, पर आएगी कितनी वो फंक्शन से पता चलेगी। तो आप एफ 1 की वैल्यू फाइंड कर लो, एक्स के प्लेस पे 1 पुट कर दो, तो माइनस 2 आ गई, ये हमारी मिनिमम वैल्यू आ गई। अब दूसरा पॉइंट एक्स इक्वल टू माइनस 1, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि एफ डबल डैश माइनस 1, कि माइनस 1 पॉइंट पे जो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 6 इंटू माइनस 1 माइनस 6 नेगेटिव आ गई, तो ये मैक्सिमा का पॉइंट हो गया। और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो वो फंक्शन से फाइंड करेंगे, वो वैल्यू आ गई 2। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर एंड हो गया। लेकिन कई बार क्या होता है, जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मिनिमा का क्वेश्चन होता है, और साथ में ना इंटरवल दिया होता है। तो मैंने सेम क्वेश्चन लिया है लेकिन साथ में इंटरवल है, तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पर हम, कि आपको ये बता दिया कि जो एक्स है वो माइनस 3 से लेके 3 के बीच बीच में है, क्लोज्ड इंटरवल है ये। ओके, तो इस क्वेश्चन को आपने सारा सेम करना है जैसे ऊपर किया हुआ है क्वेश्चन, सेम पहले ये क्वेश्चन यहाँ तक 2 तक सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, मिनिमम वैल्यू आई थी माइनस 2, मैक्सिमम वैल्यू आई थी 2, बट
ऊपर वाले क्वेश्चन में इंटरवल नहीं दिया था, वो क्वेश्चन खत्म हो गया था वहां पर 2 पे आके, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें इंटरवल दिया है। और जब इंटरवल दिया होता है तो हमें इंटरवल के एंड पॉइंट्स पे भी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो हमें इंटरवल के दो एंड पॉइंट्स हैं -3 और 3, तो 3 पे भी वैल्यू फाइंड की और -3 पे भी वैल्यू फाइंड की। 3 पे वैल्यू आ गई 18, -3 पे आ गई -18। तो अब हमारे पास टोटल 4 वैल्यूज हो गई फंक्शन की, एक हो गई -2, एक हो गई +2, एक हो गई 18, एक हो गई -18। 4 वैल्यूज आ गई फंक्शन की। तो इन चारों में सबसे बड़ी कौन सी है? वो 18। तो वो हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमा है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई है? 18। और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितनी आई है? -18। तो ये हमें तभी फाइंड करनी है अगर हमें इंटरवल दिया होगा तब, अदरवाइज हमारे पास ऊपर में ही क्वेश्चन खत्म हो गया था। अगर ऊपर वाले क्वेश्चन में तो एक ही पॉइंट आया है जहां पर मैक्सिमम है, तो उसको आप लोकल भी बोल सकते हो, उसको आप एब्सोल्यूट भी बोल सकते हो। लेकिन जब एक से ज्यादा वैल्यू आ जाती हैं हमारे पास पॉजिटिव या नेगेटिव, तो सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम आएगी, सबसे छोटी वैल्यू है वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आएगी। ओके, तो अब हम बात करें जनरलाइजेशन ऑफ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो हमने कहा था कि अगर मान लो किसी पॉइंट पे फर्स्ट डेरिवेटिव तो जीरो है, बट उस पॉइंट पे सेकंड डेरिवेटिव भी जीरो आ जाता है, ठीक है, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट वहां पर फेल हो गया था, तो उसको हमने जनरलाइज किया है टेस्ट को, ठीक है। तो जनरलाइजेशन में क्या है कि मान लो f एक फंक्शन है, आई पे इंटरवल पे डिफाइंड है, C1 एक क्रिटिकल पॉइंट है, C1 पॉइंट पे हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो है, तो हमने यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव से ही स्टार्ट किया, तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा जीरो है, तो हमने क्या किया, उसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। अगर तो सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो उस पॉइंट पे क्या आता है, हमें मैक्सिमा आता है, ये तो आपको पढ़ लिया हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। और अगर हमारा सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाता है तो उस पॉइंट पे जो वैल्यू होती है वो मिनिमम वैल्यू होती है, तो वो पॉइंट पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है। और अगर सेकंड डेरिवेटिव जीरो आ जाता है, मतलब ये सारा जो जनरलाइजेशन है ना, इसको आपने ऐसे देखना है, अगर तो नॉन जीरो आता है ना तो क्वेश्चन खत्म हो जाता है, अगर जीरो आ जाता है तो आगे चलना पड़ता है हमें। तो अगर सेकंड डेरिवेटिव जीरो आ गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा F"C1, फाइंड F"C1, जीरो नहीं लिखना था यहाँ पर, तो हमें ट्रिपल डेरिवेटिव फाइंड करना था, ट्रिपल डेरिवेटिव फाइंड कर लिया हमने। तो फिर दो केस होंगे, अगर तो ट्रिपल डेरिवेटिव जीरो नहीं आता तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, तो हम ये बोलेंगे कि फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो है, सेकंड डेरिवेटिव जीरो है और ट्रिपल जीरो नहीं है, इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। और अगर ट्रिपल जीरो आ जाता है तो फिर क्वेश्चन आगे चलेगा, जब तक जीरो आता रहेगा क्वेश्चन चलता जाएगा। तो ट्रिपल डेरिवेटिव जीरो आ गया तो फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो फोर्थ डेरिवेटिव जो हमारे इवन डेरिवेटिव्स हैं जैसे 2, 4, 6, उनके 3 केस बनाएंगे हम, जैसे यहाँ पर भी डबल डेरिवेटिव फाइंड किया था तो 3 केस बनाए थे, 3 केस कौन से, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो के। और जो ऑड वाले हैं जैसे 3 है 5 है, उनके 2 ही बनाएंगे, जीरो वाला और नॉन जीरो वाला, ठीक है। तो फोर्थ डेरिवेटिव ये इवन है तो इसके हमने 3 केस बनाए हैं। अगर तो फोर्थ डेरिवेटिव हमारा नेगेटिव है तो वही पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया। और अगर फोर्थ डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो क्या आएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, जैसे सेकंड का था बिल्कुल सेम। और अगर फोर्थ डेरिवेटिव जीरो आ गया तो फिर आगे जाना पड़ेगा, फिफ्थ डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। अब फिफ्थ ऑड है तो उसमें हम 2 ही केस लेंगे, अगर फिफ्थ डेरिवेटिव जीरो नहीं है तो क्या आएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और अगर फिफ्थ डेरिवेटिव जीरो है तो सिक्स्थ डेरिवेटिव पे जाएंगे, सिक्स्थ क्या है हमारा, इवन है तो उसके 3 केस बनेंगे, अगर 6 नेगेटिव है तो मैक्सिमा आएगा, पॉजिटिव है तो मिनिमा आएगा, 0 है तो 7th डेरिवेटिव पे जाएंगे, और 7th ऑड है तो 2 ही केस बनेंगे, नॉट अगर 7th 0 नहीं है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, और अगर 7th 0 है तो आगे जाएगा। तो ये ऐसे चलता जाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं जनरलाइजेशन। ओके, तो अब हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का एक एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन
फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन। तो हमें नहीं पता कि ये इसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, हम तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट ऐसे ही आ जाती है कि फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो हमने फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव किया एफ डैश एक्स 3x स्क्वायर, सेकेंड डेरिवेटिव किया 6x। फर्स्ट डेरिवेटिव को हमने जीरो पुट किया तो वहाँ से x की वैल्यू आ गई जीरो। तो उसी पॉइंट पे हमने सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड की, वो भी आ गई जीरो। तो अब जब सेकेंड डेरिवेटिव जीरो आ गया तो या तो हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे जाना पड़ेगा या जनरलाइजेशन। तो हमने इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से कर दिया। यहाँ पर ऊपर ये हमने जनरलाइजेशन से किया है, नीचे है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से। तो एक ही पार्ट करना है हमें तो, बट हम दोनों यहाँ पर एक बार डिस्कस करेंगे। तो जब डबल डेरिवेटिव जीरो आता है तो हम क्या करते हैं, थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो थर्ड डेरिवेटिव क्या आ गया, सिक्स। तो एट एक्स इक्वल टू जीरो हमारा डबल डेरिवेटिव तो जीरो है, बट ट्रिपल डेरिवेटिव क्या है, सिक्स आ गया, जो कि जीरो नहीं है। तो हमने अभी पढ़ा कि अगर डबल डेरिवेटिव जीरो हो और ट्रिपल जीरो ना हो तो जो पॉइंट होता है वो होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसका मतलब जो एक्स इक्वल टू जीरो है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया। और फर्स्ट डेरिवेटिव क्या कहता था कि कोई भी पॉइंट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तब होता है अगर आपका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसका साइन चेंज ना हो। तो हम क्या करते हैं, जीरो से हमने साइन चेंज करना है ना, देखना है कि फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन क्या है। तो जीरो से थोड़ा पहले लेते हैं, जीरो से थोड़ा पहले मान लो माइनस पॉइंट वन ले ली वैल्यू। तो एफ डैश एक्स, एक्स की जगह पे आप माइनस पॉइंट वन पुट करोगे, उसका स्केयर करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। जीरो से थोड़ी बड़ी वैल्यू लेनी है तो पॉइंट वन ले लिया तो उस पे भी वैल्यू पॉजिटिव आ गई। तो हमने देखा कि जीरो से पहले भी पॉजिटिव था, जीरो के बाद भी पॉजिटिव है। तो एफ डैश एक्स ने अपना साइन चेंज नहीं किया, पॉजिटिव से पॉजिटिव ही रह गया उसका साइन। तो हमने कहा था कि जब एफ डैश एक्स का साइन चेंज नहीं होता तो वो जो पॉइंट होता है वो पॉइंट क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। ओके, और लास्ट में हमारे पास है जस्ट कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक और शेयर कीजिए। जो भी आपके सजेशंस हैं, अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो कम से कम एक कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अभी मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल बटन को हिट कर दीजिए ताकि जैसे ही अगला वीडियो अपलोड हो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू ऑल।